अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों क्विज से आज की वीडियो बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें दोस्तों आपको सुनाने वाला हूं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहली खबर दोस्तों आ रही है कुवैत और यूएसए के बीच में। तो दोस्तों कुवैत और यूएसए के बीच में एक तरह का मान के चलिए एग्रीमेंट किया गया है। एग्रीमेंट के दौरान दोस्तों वहाँ पर बैक थ्रू किया जाएगा मेडिकल टेक्नोलॉजी में, यानी दोस्तों दोनों कंट्रियाँ मुल्क के मेडिकल टेक्नोलॉजी के बीच में दोस्तों वहाँ पर काम करेगी। तो साथ ही वीडियो क्वेश्चन पर देख सकते हो, उसमें से बहुत सारे मेडिकल टीम के यूएस के मेडिकल टीम के लोग हैं, कतर के मेडिकल टीम के दोस्तों लोग हैं, एक साथ वहाँ पर दिखाई आपको देने को मिल रहा है। खबर दोस्तों ये भी निकल कर आ रही है, यूएस चार्ज अफेयर कुवैत जेम्स हॉलस्टेनर की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि कुवैत और यूएसए के बीच में हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम किया जाएगा, उसमें टेक्नोलॉजी को लेकर दोस्तों बढ़ावा दी जाएगी ताकि और भी ज़्यादा वहाँ पर दवाइयों को वहाँ इन्वेंट किया जा सके और भी ज़्यादा चीज़ों को दोस्तों मुहैया कराई जाएगी ताकि जो भी बीमारियों का इलाज अभी तक नहीं निकल पाया है उन बीमारियों का दोस्तों इलाज वहाँ पर निकाला जा सकेगा। तो साथ ही ये बहुत ही अच्छी पहल है कुवैत और यूएसए के बीच में। अगली खबर दोस्तों आ रही, 243 मिलियन पीपल फ्रॉम 174 कंट्रीज वर्क इन कुवैत। साथियों कुवैत में एक आंकड़े के तौर पे यह बताया गया है कि कुवैत में लगभग 2.43 मिलियन, यानी दोस्तों मान के चलिए कि लगभग 1 मिलियन दोस्तों 10 लाख होता है, तो 2.43 मिलियन मतलब हो गया साथियों मान के चलिए कि 24 लाख से भी ज़्यादा वहाँ पे लोग जो है वहाँ पे काम करते हैं, जो कि लगभग 174 कंट्रियों से। तो इससे आप दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं कुवैत जो है बहुत ही छोटी कंट्री है, उसके बावजूद भी वहाँ बहुत सारे कंट्रियों के लोग वहाँ पर काम करते हैं, लगभग 174 कंट्री के लोग वहाँ पर अलग अलग सेक्टरों में काम करते हैं। नंबर ऑफ रिप्लेस इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 82.5% कंपेयर द एंड ऑफ दिसंबर 2023। साथ ही पिछले साल के मुकाबले 2022 में लगभग वहाँ पे 82.5% की दोस्तों बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। तो कुवैत दोस्तों एक तरह का मान के चलिए कि बहुत ही बड़ा दोस्तों ये सेक्टर बन गया है, सेंटर बन गया है, जहाँ पे दूसरे कंट्री के लोग वहाँ पे आकर वर्किंग करते हैं, काम करते हैं। अब इससे दोस्तों एक नंबर से ही अंदाज़ा लगा सकते कि 174 कंट्रियाँ दोस्तों लगभग 200 के आसपास कंट्रियाँ हैं, उनमें से 174 कंट्रियों के लोग जो हैं कुवैत में आकर फ़िलहाल अभी काम कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा दोस्तों कुवैत हुकूमत की तरफ से दिया गया। अगली खबर दोस्तों हमारे साथियों की हाईलाइट हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंसेस विडिट्सू हजांगो। साथियों कुवैत के जो प्रिंसेस है यानी वहाँ के जो किंग हैं वो साथियों चाइना जाने वाले हैं। खबर क्या है, कैबिनेट वाज ब्रीफ्ड रिगार्डिंग द ऑफिशियल डेलीगेशन एकोमेंडिंग हाइनेस क्राउन प्रिंस शेख मिसाल अल अहमद ड्यूरिंग हिज विजिट टू हजांगो। दोस्तों हजांगो पड़ता है चाइना में, जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना है। वो साथियों जाने वाले हैं 20 सितंबर को, वो निकलने वाले यानी दोस्तों 20 सितंबर आज है, तो साथियों वो निकल चुके हैं और 24 सितंबर तक दोस्तों वहाँ पे ये रहने वाले हैं। तो ऑफिशियली दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया गया था, कल ही अनाउंसमेंट किया गया था, पर दोस्तों न्यूज़ में ये आपको आज बता रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही, 586.8 बिलियन दिनार बजट एलोकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ बूस्ट। साथियों लगभग कुवैत में 586.8 बिलियन दिनार का वहाँ पे बजट को पास किया गया है ताकि साथियों वहाँ पे रिक्रूटमेंट को वहाँ पे बूस्ट किया जा सके, यानी दोस्तों वहाँ पे जॉब वगैरह को वहाँ पे लोगों को दिया जा सके, क्योंकि साथियों कुवैत में जब से कोरोना वायरस आया जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं, वहाँ पे कुवैती नागरिक के साथ साथ वहाँ पे प्रवासी लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, तो इसको दोस्तों बढ़ावा देने के लिए और भी जॉब सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 588 शायद दोस्तों नहीं था तो 586.8 मिलियन दिनार का बजट को वहाँ पे पास किया गया ताकि लोगों को वहाँ पे सहूलियत मिल सके और लोगों को काम वगैरह जो है वो दिया जा सके। तो साथियों यदि कोई भी आपके मन में सवाल हो कुवैत के रिलेटेड, फ़्लाइट के बारे में, जॉब के बारे में, या फिर कोई जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का सवालों का जवाब देने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, एंड टेक केयर।